बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और पिछले चंद दिन से मौसम खैर इतनी गर्मी है नहीं, तो आज भी इतनी गर्मी नहीं है। सूरज है मगर हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। पिछले सात आठ दिन से या 10 दिन से डेली जो है बारिश होती है। इस तरफ यह भी बादल है। मौसम खैर साफ है मगर फिर भी इतनी गर्मी है नहीं। तो ये है स्वीडन में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और इस तरह के चार्जिंग पॉइंट आपको बहुत स्वीडन के हर जगह आपको मिल जाएंगे। खैर जहाँ तक मैं गया हूँ तो वहाँ तक तो मुझे पता है कि इस तरह के चार्जिंग पॉइंट जो है आपको मिल जाते हैं। और ये है 4.50 क्राउन्स, इंक्लूसिव मॉम जो है, इंक्लूसिव टैक्स जो है ना, टैक्स के साथ 4.50 प्लस टैक्स जो है 25%। तो ये कोड है 180-48, ये आईडी नंबर है। तो ये ऑनलाइन आप पेमेंट करके इधर आप चार्जिंग अपना लेके ये अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। स्वीडन में चार्जिंग वाली गाड़ियाँ, टेस्ला और चार्जिंग वाली गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के पॉइंट आपको हर जगह मिल जाते हैं। एक चार्जिंग पॉइंट ये है और एक चार्जिंग पॉइंट उधर भी है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टॉप करती है और इधर जो है अपनी गाड़ी जो है आप चार्ज कर सकते हो। इधर आप कॉफ़ी भी पी सकते हो ब्रेक करके। ये कॉफ़ी शॉप है। इधर फूल और सारे जितने भी गार्डन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इधर मिल जाती हैं। तो एक चार्जिंग पॉइंट ये भी है। तो दो चार्जिंग पॉइंट इसमें हैं, एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है। तो ये है आईडी नंबर 180-45 और ये 4.50 क्राउन प्लस मॉम जो है प्लस टैक्स जो है। तो ये हर जगह आपको मिल जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। स्वीडन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और फ्यूचर में ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ग्रीन गाड़ियाँ जो है, वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ग्रीन गाड़ियाँ हैं या जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ये स्टार्ट करना चाहते हैं और डीजल और बेंजीन जो है इसको कम से कम करवाना चाहते हैं। तो ये वाला साइड जो है बीच को जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑर्डर भी, दोनों ऑर्डर थे, दोनों भाई ने बताया, दोनों ऑर्डर भी मैंने रखते हैं अपनी गाड़ी में। और ये है बोटल्स, खाली बोटल्स, ये प्लास्टिक के और ये एल्युमिनियम कैन, इन दोनों पे एक एक क्रोन हमें मिलते हैं खाली पे। तो इधर लिखा हुआ है, जब भी आप लेते हो तो इधर स्वीडन में ये है कि इधर लिखा हुआ है, बाहर मुल्क से आप ला नहीं सकते, जो स्वीडन के अपने हैं या जिस पे टैक्स दिया हुआ है उस पे लिखा होता है। तो इस पे भी एक क्रोन है और इस पे भी एक क्रोन है, और बड़ा जो है 2 लीटर वाला, 1.5 लीटर वाला, उस पे 2 क्रोन है। तो ये भी साथ अभी मैं लेके जाऊंगा, इसको भी इंशाल्लाह मशीन में डालेंगे और ये बहुत सारे मेरे ख्याल में 30-40 क्रोन जो है ये बन जाएंगे, 30-40 पॉइंट रहेंगे हमारे पास। तो ये फ्री में पैसे है, अगर आप ड्रिंक्स लेते हो तो ये 1 क्रोन आपकी बचत ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया है। तो अभी इंशाल्लाह ऑर्डर 2 रहते हैं, ये 2 ऑर्डर ये दे देंगे
और हमारे पास जो पंट है वो पंट वो मशीन में डालेंगे, तो उससे मेरे ख्याल में 35-40 करोड़ जो है वो बन जाएंगे, $4-4.5 बन जाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो पंट हमारे पास थे ये, इसका भी मैं अंदर ले जाके पंट मशीन में डाल लेता हूँ और इसके हमें पैसे मिलते हैं। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया है, एक पंट का 1 करोड़ मिलता है, तो ये जितने भी पंट होंगे तो उसके पैसे उतने ही आएंगे। यह है ईका मैक्सी, तो ये मेन एंट्री है, अंदर जाते हैं और पंट मशीन जो है इधर, पंट मशीन होगा ये है पंट मशीन, ये पंट मशीन 1, 2, 3, 4 पंट मशीन है इधर, और इधर भी ये लॉकर्स हैं। अभी शुरू करते हैं, ये वाला बड़ा पंट है तो इस पे 2 करोड़ मिलेंगे, ये इधर लिखा होता है इस पे। ये पहले मैंने 20 करोड़ ये ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी इधर रसीद आएगा, ये रसीद, तो इस पे ये लिखा हुआ है 20 करोड़। अभी ये वाला है माउंटेन ड्यू, इधर मैंने रखा, ये स्कैनर होता है, स्कैन करते हैं और इधर 1 करोड़ आ जाता है। अभी ये मेयर है, इसको मैं रखा इधर, इधर ये 2 हो गए इधर, और इधर पर जो है रसीद निकलता है। इस पे अभी मैं ट्राई करता हूँ, इस पे खैर लिखा हुआ है मगर ये स्कैन नहीं हो रहा सही, ये हो गया है। अभी ये वाला जो है, ये वाला, इसको मैं ट्राई करता हूँ, ये नहीं हो रहा, देख इस पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये स्वीडिश है ही नहीं, तो इसीलिए ये स्कैन नहीं हो रहा, देख। तो अभी ये दूसरा रसीद है 20 करोड़ वो, और 17 ये 37 करोड़ बन गए, तो ये कम से कम 4 यूरो बनते हैं। इधर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह बल्ब जो है ना, क्लासेस जितनी भी चीज़ें हैं इधर आप रख सकते हो, इधर डाल सकते हो, और इधर ये प्लास्टिक वाले जितने भी हैं सामान इधर आप ये डाल सकते हो, ये जितना भी आपका है। और इधर ये साबुन, ये साबुन हो गया, और इधर आप हाथ धो सकते हो। तो ये 2 चीट है 37 करोड़, इस पे मैं चीज़ें भी ले सकता हूँ और कैश भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी 37 करोड़ है। और स्क्रीम वाली जगह ढूंढ लेते हैं, ये ईका मैक्सी बहुत बड़ी मार्केट होती है, ये एक ईका एक मार्का है,
तो इका क्वांटम और इका मैक्सी, इका मैक्सी जो है बहुत बड़ी होती है। इधर आइसक्रीम है, स्निकर ग्लास 45 क्रोन के, ये वाला आइसक्रीम है। मगर एक मिनट देखते हैं, ये डाइम जो है बहुत अच्छी ग्लास है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ले लेते हैं। 37 क्रोन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो 2 क्रोन जो है एक्स्ट्रा दे लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हुई ना बचत, जितने भी पॉइंट थे पॉइंट हमने यूज़ किए थे या जितने भी कस्टमर है उसने यूज़ किए थे, तो उसके बाद जो है मैंने जमा करके ये सारे जो है पॉइंट मशीन में डाले हैं, तो 37 क्रोन मेरे बने हैं। तो अभी ये वाली रसीद जो है इसको मैं दे रहता हूँ, तो ये स्कैन करेगा और मेरे पैसे जितने भी हैं वो हो जाएंगे। 37 क्रोन वो थे और 2 क्रोन जो है एक्स्ट्रा मैंने पे किए हैं। तो ये वाली जो है डाइम आइसक्रीम जो है ये मैंने ले ली है, तो बहुत बचत होती है। बहुत सारे लोग जो है स्पेशली समर में लोग निकलते हैं, ज़्यादातर ये बल्गारिया वाले और रोमानियन वाले लोग निकलते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो समर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली सम मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग निकलते हैं दिन के 100, 200, 300 पॉइंट ये जो खाली बॉटल्स हैं ये जमा करते हैं, तो दिन के मतलब ये 200-300 क्रोन जो है 30-40 यूरो जो है बना लेते हैं। वो कोई इतना सख्त काम नहीं है, मगर यह है कि सिर्फ ढूंढना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ, और दोनों ऑर्डर जो थे वो ऑर्डर भी मैंने दे दिए हैं, और आज मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज सुबह 5 बजे का मैं उठा हुआ हूँ, 5 बजे काम पे गया हूँ, काम किया है 11 बजे तक, और फिर उसके बाद बाइक का भी काम था वो भी किया है। तो खैर गाड़ी को मैं लॉक कर दिया है, और अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमानल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अभी नमाज़ पढ़ूंगा और उसके बाद शाम को भी इंशाल्लाह, अभी मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा रहता है, तो उससे पहले मैं असर का नमाज़ पढ़ूंगा और उसके बाद मगरिब का नमाज़ का टाइम होगा। खाना खाऊंगा तो पूरा दिन में थका हूँ, इसलिए मैं पढ़ के इंशाल्लाह।